ये देखो, और भाई कितनी कलरफुल सी लग रही है। ये कितनी बना लेते हो इकट्ठी? ये 100 पीस बनती है भैया इकट्ठी। अच्छा 100 पीस, तो भाई आज हम पहुंच चुके हैं पीतमपुरा के अंदर ट्रिपल जेड पिज्जा पे, और यहाँ की भाई जो सबसे फेमस मुझे भैया ने बताया जहाँ पे मिलती है गार्लिक ब्रेड, तो भैया कुछ गार्लिक ब्रेड के बारे में बता दो। भैया हमारी गार्लिक ब्रेड स्पेशल है पीतमपुरा, ऑल ओवर दिल्ली, ऑल ओवर वर्ल्ड भी कह सकते हैं आप। अच्छा जी, तो भाई मैंने गार्लिक ब्रेड ब्रांड्स की खाई है, मैंने आज तक कभी ऐसे शॉप से नहीं खाई, तो आज खाएंगे हम गार्लिक ब्रेड। और भैया का मानना है कि पिज्जा से बेहतर रहती है गार्लिक ब्रेड, यहाँ पिज्जा भी बेहतर है बट गार्लिक ब्रेड ज़्यादा फेमस है। अच्छा, तो भाई देखते हैं पूरी मेकिंग गार्लिक ब्रेड की कैसे बनाई जाती है, तो वीडियो पूरी शुरू करते हैं। यहाँ पर मेकिंग हो रही है गार्लिक ब्रेड की और ये भैया बनाते हैं, तो भैया कितनी बना लेते हो इकट्ठी? ये 100 पीस बनती है भैया इकट्ठी। अच्छा 100 पीस, तो भाई ये देखो पूरी गार्लिक ब्रेड काटी जा रही है यहाँ पर, और ये सारी देखो कट चुकी है, ये देखो गजब भाई साहब, 100 पीस एक बारी में लगाना भाई साहब। तो भैया हमेशा से ही 100 पीस इकट्ठे लगा रहे हो आप और निकल जाते हैं जल्दी से? ये 6 बजे के बाद भैया दोबारा लगेगी। अच्छा 100 दोबारा लगेंगी? अरे भाई साहब 3 राउंड लगता है। 3 राउंड तो मतलब 300 गार्लिक ब्रेड, तो भाई तो सोचो कितनी ज्यादा मतलब टेस्टी होगी यहाँ की गार्लिक ब्रेड। चुके हैं भैया टोटल 100 पीस हो चुके हैं लगभग, तो अब क्या किया जाएगा? अब इनको भैया लगाया जाएगा पहले लाइन बाय लाइन। अरे भाई साहब, और भाई स्पीड से काम होता है और भैया को तो आदत हो गई होगी काफी ज्यादा अब तो। तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी सारी ब्रेड यहाँ पर आ चुकी है और भाई पूरी फैल चुकी है टेबल पे। भैया आप क्या आएगा इसके ऊपर? तो भाई अनियन आएंगे भाई इसके ऊपर, ये देखो। और भाई भैया की स्पीड चेक कर सकते हो यार, काफी तेजी में कर रहे हैं और इकट्ठी 100 गार्लिक ब्रेड लगाते हैं। आप देख सकते हो हर गार्लिक ब्रेड पे अनियन आ चुका है। तो भैया आप क्या आ गया? अब आएगा भैया कैप्सिकम। अरे वाह भाई साहब, तो भाई वेजीज देखो कितनी सारी जा रही है, अब कैप्सिकम आ चुका है। तो भाई यहाँ पर पूरी कैप्सिकम आ चुकी है हर ब्रेड के ऊपर, ये देखो। भैया नेक्स्ट क्या जाएगा? ये टोमेटो जाएगा भैया। तो ये देखो भाई यहाँ पे आ चुका है टोमेटो, और मतलब भाई गार्लिक ब्रेड मेरे हिसाब से तो बहुत ही गजब होने वाली है जिस हिसाब से लग रहा है, और बाकी टेस्ट करेंगे। तो भाई टोमेटो भाई इस पे पूरा लग चुका है, और भाई देखो कितनी सारी है और कलरफुल लग रही है एकदम, मतलब भाई गजब। भैया आप क्या जाएगा इसके अंदर? अब आएगा भैया स्वीट कॉर्न। स्वीट कॉर्न? हाँ जी भैया। अरे भाई साहब ये देखो स्वीट कॉर्न आ चुका है, मतलब ये फुली लोडेड होती है एकदम। फुली लोडेड गार्लिक ब्रेड होती है। अरे वाह भाई साहब, भाई यहाँ पर कॉर्न डल चुका है हर गार्लिक ब्रेड पे, और भाई ये देखो कितनी कलरफुल लग रही है, ये देखो गजब। तो भैया इतनी सारी वेजेस डाल चुके हो, अब क्या डालने वाले हो? भैया तंदूरी सॉस। तंदूरी सॉस? हाँ जी भैया। क्या बात है भाई, ये देखो आ चुकी है तंदूरी सॉस। मतलब भाई आपने शायद ही इतनी सारी गार्लिक ब्रेड बनते हुए देखी होंगी, ये देखो गजब भाई। तो भाई सब पे तंदूरी मेयोनीज या सॉस लग चुकी है आप देख सकते हो, और भाई खुशबू अभी से ही बहुत ही ज्यादा अच्छी आ रही है। तंदूरी सॉस के बाद क्या जाने वाला है? गार्लिक पाउडर है भैया। अच्छा जी, ये खुद का है मार्केट से ही आता है? खुद पड़ते घर बनाते हैं घर में। अच्छा घर में ही बनाते हैं, रेसिपी है इसकी भी अलग। तो भाई ये आ चुका है यहाँ पे इनका गार्लिक मसाला जो भी है, ये देखो भाई यहाँ पर आ चुका है मसाला जो सब में लग चुका है, ये देखो। और भाई कितनी कलरफुल सी लग रही है ब्रेड। भैया आप क्या जाने वाला है? चीज आएगी भैया। ये कौन सी चीज है? मोजरेला चीज है। मोजरेला चीज। तो भाई अब जाने वाली है चीज, और यहाँ पर देखो भाई दोनों भाई देखो कितनी तेजी में अब यहाँ पे देखो चीज, और भाई एक गार्लिक ब्रेड पे काफी अच्छी खासी बिना कंजूसी करे डाली जा रही है चीज, ये देखो गजब भाई साहब, दोनों तरफ से हाथ चल रहे हैं भाई बिल्कुल तेज। तो भाई लगभग लगभग हर गार्लिक ब्रेड पे चीज आ चुकी है, और भाई ये देखो कितना मतलब गजब लग रहा है, ये देखो। और भाई ये पूरा डाइस लाए थे और चीज खत्म ही हो गई है। भैया कितनी लग जाती है 100 ब्रेड में, मतलब कितनी चीज लग जाती है ये? ये भैया कम से कम 2 किलो तक चीज लग जाती है। लग जाती है? अरे भाई साहब 2 किलो चीज, ये देखो। दिल्ली में तो ठंड चल ही रही है, और यहाँ पे भी गार्लिक ब्रेड के ऊपर स्नोफॉल हो चुकी है, क्यों भाई? गजब। तो भैया अभी भी रेडी नहीं हुए मुझे लग रहा है। हाँ जी भैया अभी भी एक्सोटिक वेजिटेबल आएगी। अच्छा जी, क्या क्या आने वाला है अब? ऑलिव, जैलोपिनो, रेड पेपरिका। अरे भाई साहब, मतलब इतनी सारी चीजें डलती है? हाँ जी भैया,
अरे फुली लोडेड। तो चलो भाई शुरू करते हैं। तो ये आ चुके हैं भाई ऑलिव्स। तो भाई अब जा रहे हैं, ये देखो जलेपिनोज। ये भैया इसके बाद क्या आएगा अब? रेड पेपरिका। तो भाई रेड पेपरिका आएगा अब। देखो पूरे एग्जॉटिक वेजिटेबल्स है ना। हाँ जी भाई, एग्जॉटिक वेजिटेबल भाई। तो भैया इसके बाद क्या जाएगा? मायो जाएगी। अरे भाई साहब मेयोनीज जाएगी। अब देखो इसके बाद भी कुछ होने वाला है या फिर चीज जाएगी उसके बाद? अरे भाई साहब इतना सब कुछ तो मैंने आज तक नहीं देखा भाई गार्लिक ब्रेड में। ये देखो तो भाई मेयो आ चुकी है। अब इसके बाद क्या आएगा भैया? चीज आएगी भैया। तो भाई अब आ चुकी है यहाँ पे डाइस चीज बोलते हैं इसे, और श्रेडेड भी बोलते हैं, कुछ भी बोल लो। मतलब इतना सब कुछ गार्लिक ब्रेड में तो भाई मैंने पहली बार देखा। अगर आपने भी पहली बार देखा तो कमेंट करके बताना। ये तो लास्ट प्रोसीजर है, इसके बाद भी कुछ है? लास्ट। अच्छा ये लास्ट है। तो भाई फाइनली लास्ट आ चुका है। और भाई दोनों तरफ से हाथ चल रहे हैं, दोनों भाई तेज तेज एकदम गार्लिक ब्रेड बनाते हैं। तो हो चुका है भैया ये रेडी अब? हाँ जी भैया ये रेडी हो चुका। तो भाई अब ये जाएंगी बेक होने, है ना? ये भाई फाइनली रेडी हो चुकी है, अभी होने जाएगी बेक। तो भैया अभी बेक होने जाएगी? तो कितनी देर बेक होगी ये? 5 मिनट। तो चलो स्टार्ट कर दो आप। तो भाई अब जाएंगी बेक होने, और 6-6 पीस करके भाई ये अंदर जाते हैं। और इनका ओवन देखो भाई कितना बड़ा है, और उसी हिसाब से बना रखा है, क्योंकि भाई 100-100 गार्लिक ब्रेड इकट्ठी जाती हैं। तो भाई ये रही हमारी गार्लिक ब्रेड, और अभी ये भैया हाफ हुई है थोड़ी बेक, है ना? अब ये भाई लो उस पे हुई है, अब ये जाएगी भाई ऊपर वाले उस पे हाई फ्लेम पे थोड़ा। ये देखो और भाई टेस्टी बहुत लग रही है। तो भाई फाइनली हमारे यहाँ पे गार्लिक ब्रेड आ चुकी है, और भाई कितनी ज़्यादा टेस्टी लग रही है, मतलब कुछ कह नहीं सकते। अभी बाहर आन दो पहले, ये देखो। अरे वाह भाई साहब क्या बात है। अब इसकी कटिंग हो जाएगी। और भैया इसका रेट क्या रहता है? 240। और जो सिंपल वाली जो आपने पहले दिखाई वो चीज एंड टॉफी में वो 200 रुपये, वो 200। एग्जॉटिक वाली 40 रुपीज महंगी है। और भाई मतलब 240 में रेट भी काफी अच्छा है। और ये आ जाएंगे यहाँ पे ओरिगैनो। ओरिगैनो आ चुके हैं भाई अच्छे से एकदम। और ये आ चुके हैं चिली फ्लेक्स। क्या बात है, मतलब भाई गार्लिक ब्रेड का कोई जवाब नहीं लग रहा। और ये आ चुकी है यहाँ पे केचप्स, और जी आ गई भाई अपनी गार्लिक ब्रेड। अरे भाई क्या बात है, कितनी गजब लग रही है। अब इसको टेस्ट करते हैं, टेस्ट में भी वैसी है कि नहीं। तो भाई फाइनली हमारी यहाँ पर गार्लिक ब्रेड आ चुकी है, आप देख सकते हो। और भाई मतलब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही है ये तो। ये देखो और चीज़ है इस पे, वेजिटेबल्स है, मतलब सब कुछ है। अब टेस्ट करते हैं कैसी है। भाई मतलब ऐसी गार्लिक ब्रेड ना मैंने किसी ब्रांड में भी नहीं खाई, और मतलब इसका जो बेस है वो बहुत ज़्यादा क्रंची है, और ऊपर चीज़ थोड़ी सॉफ्ट है। मतलब जो फ्लेवर आ रहा है वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा आ रहा है। मतलब ऐसी गार्लिक ब्रेड मैंने तो कभी नहीं खाई, मगर आपको भी ये टेस्ट करनी है। ये पीतमपुरा की AP मार्केट है, गूगल मैप पे भी आप सर्च कर सकते हैं। और भाई सब लोकेशन लिंक सब मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मैप का क्लिक करो सीधा मैप लगा के यहाँ आओ। गार्लिक ब्रेड और पिज़्ज़ा भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, मतलब कुछ भी टेस्ट कर लो सब ऊपर लेवल का, कुछ अच्छा है। और भाई रेट भी बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे हैं, जितना आप ब्रांड में खाते हो मतलब उसके हिसाब से तो बहुत ज़्यादा मतलब बढ़िया है। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। ZZZ पिज़्ज़ा भैया का भी चैनल है, तो उसको भी एक बार देख लेना और सब्सक्राइब कर देना।